तो देखिए, बाबा विजयदास का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पूरे मामले पर राजनीति गरमा चुकी है और इस वक्त मेरे सहयोगी देवेंद्र बरसाना से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास हम चलते हैं और देवेंद्र से जानेंगे तमाम जानकारी इस खबर को लेकर। और देवेंद्र, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाएं, सबसे पहले ग्राउंड पर आप मौजूद हैं। देखिए, मैं कैमरा पर्सन वीडियो भूषण सोने से कहूँगा, दिखाएं कि जो बाबा है विजयदास वो पंचतत्व में लीन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उनकी चिता की लपटें और उसके आसपास जो संत बैठे हुए हैं वो लगातार जो उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो उनके शोक संतप्त होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं, वो लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले राजस्थान सरकार की ओर से जो कैबिनेट मंत्री हैं बीडी कल्ला, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह, इन्होंने श्रद्धांजलि दी। इससे जो यूपी के मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, वो भी बाबा को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। सांसद हैं भरतपुर की रंजीता कोहली, वो भी पहुँची। प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के भजनलाल शर्मा, वो भी पहुँचे हैं। और संत समाज की बात करें तो वृंदावन से भारी संख्या में विभिन्न मठों के पीठाधीश्वर और विभिन्न जो संप्रदाय के जो पीठाधीश्वर हैं वो लोग पहुँचे हैं। और काफ़ी संख्या में जो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो पहुँचे हैं। और ब्रज के भी ब्रज से भी, क्योंकि बाबा वहाँ पर मेहनत के रूप में अपना काम देख रहे थे, लगातार आंदोलन में सक्रिय थे, तो ब्रज से भी जो गांव पसोपा जहां वो पशुपतिनाथ मंदिर पर रहते थे वहां से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। और यूपी और राजस्थान, भरतपुर और मथुरा दोनों जिलों का प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी हैं और तमाम वो लोग आज बाबा को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। बाबा मान मंदिर बरसाना के जो महंत हैं बाबा रमेश दास, वो भी आज अपने जो शिष्य को बताया जा रहा है कि जो विजयदास हैं वो बाबा के ही शिष्य थे रमेश बाबा के। बाबा आज खुद नीचे उतर के आए मान मंदिर से और उन्होंने खुद आकर अपने शिष्य को श्रद्धांजलि दी और उनकी नम आँखों ने से वो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को श्रद्धांजलि दी। उनकी उनकी चिता को मुखाग्नि उनके जो गुरु भाई हैं दीनदयाल दास, उनके द्वारा दी गई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आसपास का पूरा ब्रजांचल से लगातार जो लोग पहुँच रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है, लगातार चीज़ें रहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी से भी भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं। बीजेपी ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के बाबा बालकनाथ जौलवर के सांसद हैं, पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, पूर्व विधायक अनिता गुजर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, तमाम वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने बाबा को श्रद्धांजलि दी है। चाहे जवाहर सिंह बेडम की बात करें, किस डैम सिंह फौजदार की बात करें, या अन्य तमाम वो लोग जो यहाँ पर इस बाबा को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं, जिनका कहना है कि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया और बाबा को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी के साथ साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कुछ विधायक भी सरकार पर हमलावर हैं और सिस्टम का फेलियर से बता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री अब क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई है जिसमें राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह हैं, सतपाल सिंह जो सांसद हैं वो हैं, ब्रजराज सिंह सांसद हैं वो हैं, इसके अलावा सुवेदानंद सरस्वती हैं वो हैं। ये कमेटी कल आएगी और घटनास्थल पर जाएगी और घटनास्थल का मौका मुआयना करेगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आज बड़ी बात यह रही कि पुलिस और प्रशासन का टकराव नहीं, पुलिस प्रशासन का टकराव साधु संतों से नहीं हुआ, क्योंकि साधु संतों ने जब बाबा विजयदास के शव को कामा ले जाने की बात की तो इस बात पर जो भरतपुर का प्रशासन है उसने ऐतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि रीट की परीक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, लेकिन वो संत इस बात पर अड़ गए। और आखिर में जो IG गौरव श्रीवास्तव है उन्होंने कहा कि अगर आपको ये कमिटमेंट करेंगे कि कोई भी व्यवधान नहीं होगा तो हम आपको परमिट करेंगे। और बाद में जो बाबा विजयदास है उनके पार्थिव देह को कामा ले जाया गया, कामा विमलकुंड में उनका आचमन किया गया, उनको भारी संख्या में जो कामा और ब्रजांचल के जो लोग थे उन्होंने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। बाद में विमलकुंड की परिक्रमा कराने के बाद उनको सुनहरा के रास्ते यहाँ श्री माता गौशाला लाया गया, जहाँ उनके देह को, पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। उनकी जो नातिन है दुर्गा, उसने अपने जो दादा हैं जो बाबा विजयदास है उनको अंतिम विदाई दी, परिक्रमा की, और इसके बाद में उनका तत्व, उनका जो देह है पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गया। जी देवेंद्र ने सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को लेकर जानकारी दी है, रिपोर्ट पेश करी है और बताया है कि आगे क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। देवेंद्र, और बड़ी बात आपने यहाँ पर यह बताई कि बीजेपी ने कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी में कौन कौन शामिल रहेगा और ये कमेटी कब आएगी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए अपडेट हम आपसे आगे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।